शिकागो का सोयाबीन वायदा तेज होता हुआ मध्य मई के बाद के उच्च स्तर पर जा पहुंचा है। कारोबारियों और विश्लेषकों का कहना है कि दक्षिण अमेरिका में शुष्क मौसम के कारण उत्पादन में कमी आने की आशंका के कारण सोयाबीन वायदा लगातार पांचवें दिन भी तेज हुआ है। बीते दिन आई तेजी के बाद गेहूं एवं मक्की वायदा में नरमी आई है। हालांकि रूस यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने के कारण और इसकी वजह से इन दोनों देशों के प्रमुख निर्यातक क्षेत्र से आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका संबंधी सीमित ही बनी रही। अमेरिका और ब्राजील के सोयाबीन की चीन को बिक्री करने वाली यहां स्थित एक कंपनी के कारोबार का कहना है कि ब्राजील तथा अर्जेंटीना में जारी शुष्क मौसम ही सोयाबीन और इसके उत्पादकों की कीमतों में तेजी ला रहा है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड का सर्वाधिक सक्रिय सोयाबीन वायदा 0.80% तेज होकर $16.48 प्रति बुशल के स्तर पर पहुंच गया है। आरंभी कारोबार में ये वायदा $16.50 प्रति बुशल के मई के बाद के उच्च स्तर पर जा पहुंचा था। गेहूं वायदा 0.70% मंदा होकर $8.46 प्रति बुशल पर आ गया है। एक दिन पूर्व ये वायदा 6% से भी अधिक उछल गया था। मक्की वायदा 6.721 पर 0.20% मंदा हुआ। एक दिन पूर्व इस वायदे में 3% से भी कुछ अधिक का उछाल आया था। बाजार दक्षिण अमेरिका में मक्की और सोयाबीन के संभावित क्षेत्रों पर टकटकी लगाए हुए बैठी हुई है। इसके साथ साथ अमेरिकी मैदानों में भी शुष्क परिस्थितियों बनी होने के कारण शारदीय गेहूं की फसल प्रभावित होने की आशंका जताई जाने लगी है। उधर कृषि मंत्रालय द्वारा जारी की गई 16 फरवरी तक के आंकड़ों पर आधारित अपनी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सीजन 2020-21 की अभी तक की अवधि में अर्जेंटीना के किसान 3.92 करोड़ टन सोयाबीन की बिक्री कर चुके हैं। हाल ही के सप्ताह में उन्होंने इस प्रमुख तिलहन की 3,68,200 टन मात्रा की बिक्री की है। उधर चीन में डालियान का सोयाबीन वायदा 2% से भी कुछ अधिक तेज हुआ, जबकि मलेशियाई पाम तेल वायदा उछलता हुआ रिकॉर्ड उच्च स्तर पर जा पहुंचा है। वहीं विश्व के दो प्रमुख अनाज उत्पादक देश रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने के कारण गेहूं, मक्की और सूरजमुखी तेल के खरीदारों को वैकल्पिक शिपमेंट का रुख करने पर विवश होना पड़ सकता है। विश्लेषकों और कारोबारियों का कहना है कि इसकी वजह से पहले ही कई वर्षों के स्तर पर बनी अंतर्राष्ट्रीय खाद कीमतों और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।